अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर जो है वो लिपिड्स मॉलिक्यूल। लिपिड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए लॉन्ग, और उसमें बहुत से ऐसे टर्म है जो एज ए शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट डिस्कस अबाउट लिपिड्स। लिपिड्स आर हेटरोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ फैटी एसिड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेटरोजीनियस है। हेटरोजीनियस क्यों कहा जाता है? बिकॉज डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बना होता है, इस वजह से हम इसको हेटरोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फैटी एसिड जो है ये इसका यूनिट है, दैट मीन ऑल टाइप ऑफ लिपिड्स विल बी मेड अप ऑफ बाय द फैटी एसिड। ठीक है बेटा, ये इसका इसकी डेफिनेशन है। अगर आप देखें इसकी इंपॉर्टेंस, जनरल इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड, इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स में अगर आप देखें तो ये नंबर वन इसका करैक्टर है हाइड्रोफोबिक। अब ये हाइड्रोफोबिक होने की वजह से इट्स अ कंपोनेंट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये एक बेसिक कंपोनेंट है ड्यू टू इट्स करैक्टर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो ये बहुत से ऐसे इनवर्टिब्रेट हैं जिनके अंदर ये काम करता है एज ए एग्जोस्केलेटन। एग्जोस्केलेटन ऑफ इनवर्टिब्रेट, बहुत ज्यादा इनवर्टिब्रेट में एग्जोस्केलेटन के तौर पे काम करता है। लाइक एग्जोस्केलेटन क्या करेगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा और रेडिएशन से भी बचाएगा। अब देखें चूंकि ये हाइड्रोफोबिक है तो वाटर कभी भी इससे इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, इस वजह से ये एग्जोस्केलेटन के तौर पर काम कर रहा होता है और उनको डिहाइड्रेट होने से बचा रहा होता है। इसके अलावा आप देखिएगा, इट कॉन्टेन कार्बन एंड हाइड्रोजन लिंकेज। अब ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन लिंकेज है, एक्चुअली इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की बनिस्बत इसमें CH बॉन्ड ज्यादा मिकदार में होते हैं, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट की निस्बत ज्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, सो इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा अगर आप देखें, इट्स अ इंसुलेटर, इंसुलेटर होता है मतलब हीट एक्सचेंज को ये प्रिवेंट कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा माइलन शीथ। माइलन शीथ ये एक्सॉन के ऊपर कवर होता है, एक्सॉन के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे उसकी प्रोटेक्शन ये कर रहा होता है, डैमेज होने से किसी किस्म की जो इंजरी है उससे ये बचा रहा होता है। तो ये सारी लिपिड की इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर रोल भी अदा कर रहा होता है, फिर बहुत सी जगह पे हमें फंक्शनल, यानी कि बहुत सी एनर्जी और फंक्शन रोल भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो हमने ना इसको क्लासिफाइड भी किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो लिपिड की बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसमें बुक में आपके टॉपिक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में से, और वो है एसाइल ग्लिसरॉल। जिसके टाइप में हम बात कर रहे थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट लिपिड्स। ठीक है, अभी क्या है, एसाइल ग्लिसरॉल इज अ लिपिड्स विच मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है, उसे हम कहते हैं एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है बेटा, अब इनके दरमियान जो लिंकेज होती है ना, उसको हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एस्टर लिंकेज, और आपने उसको इंडिकेट, मतलब उसको करके भी दिखाना होता है, बनाना होता है पूरा बॉन्ड। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लिपिड्स के अंदर जो भी लिंकेज है वो सारी की सारी क्या होती है, एस्टर लिंकेज होती है। अब इसे एस्टर लिंकेज को हम डिस्कस करते हैं विद एन एग्जांपल ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल। आप देखिए बेटा, ट्राई ग्लिसराइड
इट्स एग्जाम्पल ऑफ ग्लिसरॉल, एसाइल, सॉरी, एग्जाम्पल ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल. एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड. अब इसमें क्या होता है, इसमें थ्री फैटी एसिड होते हैं प्लस इसमें ग्लिसरॉल होती है. ग्लिसरॉल एक्चुअली थ्री कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल, ठीक है. तो इन दोनों के दरमियान लिंकेज होगी और उसके रिजल्ट में आपके पास ट्राइग्लिसराइड बनेगा और उनमें जो बॉन्ड होगा वो आपके पास एस्टर लिंकेज होगा, ठीक है. लेट ड्रॉ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ड्रॉ करें, ग्लिसरॉल थ्री कार्बन कंटेनिंग, कार्बन नंबर 1, 2 and 3, OH, यहां पर H, टेट्रावेलेंट वैलेंसी आपने पूरी करनी है. आप देखिए ये आपके पास है ग्लिसरॉल प्लस क्या है, थ्री फैटी एसिड. ये थ्री फैटी एसिड आपके पास जो आपने ड्रॉ करने हैं, ये R है जो कि रेडिकल, यहां पर ये आपके पास फैटी एसिड पहला, ये दूसरा और ये आपके पास तीसरा फैटी एसिड. There are three fatty acid. अब इनमें रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन इस तरह से होगा कि जो फैटी एसिड है इट विल प्रोवाइड हाइड्रोजन वाइल ग्लिसरॉल विल प्रोवाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप और रिजल्ट में क्या बनेगा, H2O. यानी ये आप देखिएगा ये आपके पास थ्री वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी इसमें क्या होगा आपके पास H2O, थ्री वाटर मॉलिक्यूल और प्लस आपके पास ग्लिसराइड जो कि ट्राइग्लिसराइड वो बनेंगे, ठीक है. अब आप इसी सारे को यहाँ पे नीचे एज ए प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकते हैं. लाइक आप देखेंगे कि ये कार्बन, कार्बन 2, कार्बन 3, ये इसके साथ लिंकेज थी, यहाँ पर एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी और यहाँ भी. अब आप देखें ये फैटी एसिड की जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ लिंक हो जाएगी. सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आर डबल बॉन्ड ओ आर, सेम यहाँ पे डबल बो ओ, सॉरी डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और ये आपके पास आर रेडिकल, ठीक है. सो ये आपके पास क्या आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड और इसके दरमियान ये जो लिंकेज है ब्लू एंड ब्लैक, ये लाइन जो आपको बॉन्ड नज़र आ रहा है कि आपके पास दो कार्बन है और उसमें ऑक्सीजन है, तो ये लिंकेज आपके पास क्या कहलाती है, एस्टर लिंकेज. ओके, ये आपके पास एस्टर लिंकेज है और उसके रिजल्ट में बनने वाला जो लिपिड्स मॉलिक्यूल है वो है ट्राइग्लिसराइड. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. ओके बेटा, अब अगर आप देखें ना तो इसके हमने कहा था कि जो यूनिट है वो फैटी एसिड है, तो फैटी एसिड की हमने बहुत सी मतलब क्लासिफिकेशन की है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे भी है, फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बेस पे भी है. सो लेट डिस्कस अबाउट द फैटी एसिड विच इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिपिड मॉलिक्यूल, फैटी एसिड. सो अगर आप फैटी एसिड की बात करें तो दीज आर मॉलिक्यूल विच कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप. ओके, फैटी एसिड विच इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिपिड्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फैटी एसिड एक्चुअली अ मॉलिक्यूल विच कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप अगर लिखना चाहें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, R C डबल ओ H, ठीक है. ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. R एक्चुअल में रेडिकल है, बाकी अगर आप इसको यहाँ फार्मूले में देखें ना तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन करके लिखा हुआ है. किस अंदाज में, लेट्स सी कि आपके पास ये कार्बन,
यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन के साथ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये कार्बोक्सैलिक ग्रुप है, ये यहाँ पे आपके पास आर है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसका फैटी एसिड विच इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिपिड मॉलिक्यूल। इस तरह से आप कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से आप उसको ओपन फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तो मैंने ये वाली फॉर्म इधर ओपन करके लिखी है, सी डबल बॉन्ड ओ और ये साथ ओ एच, और ये आपके पास रेडिकल है, ठीक है। अब अगर आप देखें इसकी बहुत सी कैटेगरी होती है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड भी है, तो ये है आर ग्रुप की वजह से, जो आपके पास आर है रेडिकल की चेन है उसके अंदर होने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स, उसमें कौन सी लिंकेज है, स्पेसिफिकली रेडिकल के अंदर कार्बन टू कार्बन लिंकेज होती है उसके बारे में। तो हम इसको दो में क्लासिफाइड करते हैं, एक हम कहते हैं कि अगर आपके पास फैटी एसिड जो है वो हो सकता है सैचुरेटेड, ओके, सैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं, ये ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। यानी ये आपके पास आर है ना, आर के अंदर जितनी भी आपके पास आ रही है चेन, जैसी भी आ रही है, अगर उनके अंदर सारी कार्बन के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो हम कहेंगे ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। अब अगर आप देखें कि आपके पास एक लिपिड ऐसी है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई है, हम कहेंगे, ठीक है, कि देखिए अगर आपके पास ऐसी लिपिड है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई है तो हम उसे कहेंगे सैचुरेटेड लिपिड्स, ठीक है, सैचुरेटेड लिपिड्स। और सैचुरेटेड लिपिड्स को आप दूसरे में फैट्स भी कहते हैं, ओके बेटा। अब ये जो फैट्स होती है ये सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर पर फैट्स है वो सॉलिड होगी, और वो सॉलिड क्यों है, बिकॉज वो सैचुरेटेड है, ठीक है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई है। तो ये ऑन बेसिस ऑफ फैटी एसिड क्लासिफिकेशन वी हैव अ लिपिड क्लासिफिकेशन, दैट मीन सैचुरेटेड फैटी एसिड इट विल फॉर्म अ सैचुरेटेड लिपिड, और वो सैचुरेटेड लिपिड्स को आप फैट्स कहते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है। इसी तरह आपके पास फैटी एसिड की दूसरी टाइप जो है वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो, तो वो जो फैटी एसिड होंगे वो आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंसीडर किए जाएंगे। और आपके पास ऐसी लिपिड्स जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड लिपिड्स, और ये अनसैचुरेटेड लिपिड्स अमूमन ऑयल, एग्जांपल इसकी ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स लिपिड्स जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी अनसैचुरेटेड होती हैं, दूसरी तरफ एनिमल लिपिड्स होती है वो सारी की सारी फैट्स सैचुरेटेड होती है, और वो फैट्स एंड सॉलिड होती है, ठीक है बेटा। तो ये है ऑन टाइप ऑफ फैटी एसिड विद टाइप ऑफ लिपिड्स ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर आप देखें तो फैटी एसिड के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके बेटा, फैटी एसिड्स के बहुत से करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जिसे आप कह सकते हैं, लाइक इनमें अगर आप देखें इनकी सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी अमूमन जो एक्वस सॉल्वेंट होता है उसके अंदर, एक्वस में ये इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि आपके पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उसके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके करेक्टर देखें, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, इसका रिलेशन है आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन वो इसके अंदर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज करेगी, और उसके साथ साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी ये आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे वैसे ही इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ेगी,
और जो इसके साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। ओके देखिए, मैंने कहा था कि नंबर ऑफ कार्बन के साथ साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे कि आप देखें पैल्मेटिक एसिड, इसके अंदर कार्बन होते हैं 16 और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63.1 है। इसी तरह आप देखें ब्यूटेरिक एसिड, इसके अंदर कार्बन जो है वो होते हैं 4 और इसका मेल्टिंग पॉइंट देखें -8 है। तो जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन कम हुए वैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। इसी तरह यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़े उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ गया। तो इसी तरह साथ साथ इनके अंदर जो सॉलिबिलिटी है वो भी सेम ट्रेंड है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो उसकी सॉलिबिलिटी वो भी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ कार्बन कम है तो सॉलिबिलिटी भी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सो बेटा ये आज का आपका टॉपिक था। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया एसाइल ग्लिसरॉल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। और इसमें ये जो हमने टेम्परेचर की डिस्कशन की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, वो भी एज एन इम्पॉर्टेंट MCQs है। ओके बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो होपफुली कि आपको समझ आई होगी। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद अलुम्बर, उसको आपने बेटा सब्सक्राइब करना है और साथ में लाइक्स, और बहुत ज़रूरी हैं आपके कमेंट्स। आप कमेंट्स करें, हमें पता चलेगा कि आपको कितनी समझ आए, या हो सकता है हमसे कुछ अप डाउन कुछ मिस्टेक भी हो सकते हैं तो हम उसको जो है वो क्लियर कर सकें। सो कमेंट्स आप लाजमी करें। थैंक यू।